साथ उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप बिल्कुल ठीक होंगे और हमेशा की तरह आपकी बहन की ढेर सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको अपने मुसलमान में रखे। बस आज मैं अभी गई हुई थी बाहर थोड़ी ग्रॉसरी के लिए और गर्मी बहुत थी तो अभी पानी पीने लगी थी तो सोचा कि आपके साथ गपशप भी हो जाए। तो आगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि जल्दी से मेरे फर्क व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, आपको पता है आजकल मौसम चेंज हो गया हुआ है, गर्मी अचानक से इतनी ज़्यादा हो गई है, बल्कि मैं हैरान हूँ कि इस्लामाबाद में इस तरह कभी नहीं हुआ कि अचानक से गर्मी जो है वो शुरू हो जाए, लेकिन इस दफ़ा मतलब अचानक से गर्मी जो है ना वो हो गई है। मतलब ऐसा लगता है कि जून जुलाई की गर्मी है और बाहर जाओ तो ऐसे लगता है कि बंदा पागल हो गया। तो खैर, हर तरफ आजकल गर्मियों का की आमद आमद है। तो चले फिर, आज मैंने आपको शेयर किया था ग्रीन शरबत, तो वो जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। मैं अभी बना के पीने लगी थी, फिर इस वजह से आपके साथ गपशप भी हो जाए। तो चलते हैं फिर, अभी आगे अपना व्लॉग जो है वो बढ़ाते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, जाना कहीं नहीं है, वीडियो स्किप नहीं करनी, पूरी देखनी है। और के साथ इसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है चैनल पे, और जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी वो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, तो आप ज़रूर इसे देखें। और ये रमज़ान के लिए बेहतरीन है। मैं अपने अंदाज़े से तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो है वो इस पर कर लीजिएगा ऐड, मतलब जो बना के रेसिपी जो आप बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्पून ले आऊँ। तो व्यूअर्स, इसके साथ साथ मैं आज आपके साथ एक ड्रिंक शेयर करना जा रही हूँ जो कि बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक है। रमज़ान के हवाले से ये मैं शेयर करूँगी आपके साथ ड्रिंक, जिनको बदहज़मी बन जाती है या इफ्तारी के बाद ऐसे सीने पे जलन सी शुरू हो जाती है, तो उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक है। हाजमा करेगी आपका, मतलब जो भी खाएँगे वो हज़म होगा ईज़िली। और इसमें हमें चाहिए अमरूद चाहिए, एक मैंने अमरूद ले लिया था और साथ मैंने एक लेमन का रस जो है वो निकाल लिया है। तो व्यूअर्स, ये जो है मैंने तकरीबन एक अमरूद बड़ा सा ले लिया था, उसको मैंने पहले बीज निकाल लिए थे, उसके सीड्स निकाल के उसके बाद मैंने उसे बारीक चॉप कर लिया था। यहाँ पे मैंने थोड़े से मिंट लीव्स लिए हैं और तकरीबन 1.5 लेमन जो है ना, एक पूरा और हाफ़ ये मैंने ले लिया। यहाँ पे मैं इसमें लेमन जूस भी ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैं इसमें जो मिंट के लीव्स थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। ये भी आपको पता है बेहतरीन है मैदे के लिए, हज़म करता है। आपका कोई भी खाना खाने का मसला हो जो खाते हैं आप, हाजमा नहीं होता, तो ये बहुत अच्छा जो है ना मिंट बहुत अच्छा है मैदे के लिए। तो यहाँ पे मैं ये चॉप किए हुए जो अमरूद हैं ये मैं जो मिल्क शेक वाला जग है उसमें डाल रही हूँ, और इसमें मैंने तकरीबन 1 ग्लास जो है वो पानी ऐड कर लिया था। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने छोटे बेटे और अपने लिए बनाना था, और इसमें मैं थोड़ा सा काला नमक जो है वो ऐड कर रही हूँ। अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से जितना आप इस्तेमाल करते हैं नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और आप चाहें तो आप इसमें साल्ट को स्किप करके शुगर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे शुगर वाला जो है ये जूस अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिर मैंने इसमें काला नमक ऐड कर लिया था, क्योंकि इसमें लेमन जूस होता है और बहुत टेस्टी बनता है ये। तो ये रमज़ान के लिए बेहतरीन, आप इफ्तारी में जो है इसे ज़रूर ट्राई करें। वैसे भी गर्मियों में जैसे आजकल सीज़न है ये बहुत अच्छा होता है अमरूद, तो वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और बाकी रहेगी बात, अभी आपको ये बताती चलूँ कि ये जो है ड्रिंक मैं बहुत अच्छी ड्रिंक है, मैं ख़ुद पर्सनली हर रमज़ान में यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आ जाए तो इसे लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है आप लोगों ने कि मेरी वीडियो आज की जो है ये आपको कैसी लगी है। गर्मी है, गर्मियों में से जूस को पिए और इन्जॉय करें, गर्मियों के लिए ये बेहतरीन तोहफा है। और मुझे दें इजाज़त, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।